नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सी चटनी की रेसिपीज मैंने डाली हैं और आपने बेहद पसंद करी है। और फिर लेकर आई हूँ दो तरह की चटनी। धनिये से हम चटनी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में इसको बनाने वाले हैं आज हम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये धनिया हमने लिया है, धनिया को मैंने धो लिया है। तो एक कप के करीब या एक बंच आप जो है धनिया ले सकते हो। और आपने देखा होगा ये धनिया की जो डंडियां हैं इसके साथ ही लगी हुई हैं और सिर्फ ऊपर वाला जो है मैंने पोर्शन कट कर लिया, जिसमें ज़्यादा मिट्टी रहती है, जो जड़े होती हैं उसको हमने काट लेना है और बाकी का जो है ये पोर्शन इसी तरह से रहने देंगे। डंडियां ज़रूर ऐड करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इससे जो टेस्ट है बहुत इन्हांस होता है और हमारी चटनी का जो असली फ्लेवर है वो इसी के साथ आता है। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको मैं इस तरह से रफली में तीन पार्ट में जो है कट कर लूँगी और इसको डालेंगे हम अपने मिक्सी के जार में। अब मैं जो आपको चटनी बता रही हूँ वो सिर्फ धनिया की चटनी है। इसमें आप चाहे तो पुदीना भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं चटनी आज उनके लिए बता रही हूँ जिस कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुदीना नहीं रहता है, लेकिन धनिया तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमेशा ही घर पे रहता ही है। तो धनिया की चटनी हम आसानी से बना सकते हैं। धनिया बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इसकी चटनी हमें ज़रूर खानी चाहिए। तो ये धनिया हमने इसके अंदर धोकर अच्छे से डंडियों के समेत जो है इस तरह से ऐड कर लेना है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे अदरक। तो अदरक मैंने जो है आधे इंच का टुकड़ा ले लिया और आधे इंच का टुकड़ा मैंने छिलकर धोकर जो है इस तरह से इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ जाएगी इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैं इसमें तीन हरी मिर्च मैंने जो है धोकर इस तरह से चॉप कर लिए। तो इस तरह से हरी मिर्च डाल देंगे। अब जाएगा इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए लहसुन। लहसुन मैं इसमें 8 से 10 खलियां जो है मैं इसमें लहसुन की डाल दूँगी। आज हम चटनी वो बना रहे हैं जो कि हम सैंडविचेस में डालकर खा सकते हैं, जो कि अच्छी थिक गाढ़ी वाली जो चटनी होती है वो चटनी हम आज बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बाजार में जो आप सैंडविचेस खाते हो उसके अंदर जो लाइट कलर की जो चटनी रहती है ये वही वाली चटनी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे खटाई के लिए नींबू। इससे जो है खट्टापन आ जाएगा। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। ये नींबू से अलग लेवल पे जो है चटनी का टेस्ट आ जाता है। तो मैंने जो है इसमें 2 नींबू डाल देने। तो 2 बड़े साइज के नींबू लेकर इसको कट कर लिया और इस तरह से हम इसमें इसका रस जो है ऐड कर देंगे। आप जितना खट्टा चाहते हो कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब जाएंगे इसमें हमारे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नॉर्मल नमक डालेंगे। मैं नॉर्मल नमक इसमें जो है 1/3 स्पून के करीब डाल रही हूँ। आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। 1/3 स्पून से मैंने हल्का ज़्यादा डाल दिया, आप आधा चम्मच समझ के चलिए। आप अपने स्वाद के अनुसार जो है नमक डाल सकते हैं। आधा चम्मच जो है मैं काला नमक डालूंगी। काला नमक जरूर डालना है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके साथ ही जाएगा इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर ना हो तो आप खाली जीरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। 1/3 स्पून या आधा चम्मच आप इसमें जीरा डाल दीजिए। इसके साथ इसके अंदर जाएगी 1 पिंच के करीब हींग। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 पिंच ही डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और अब इसके अंदर जाएगा सेव, जो कि बाजार वाले डालते हैं। सेव ना हो तो कोई बात नहीं है, कोई भी नमकीन आपके घर पे पड़ा हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये मत सोचिए कि उसके अंदर मूंगफली है नहीं ऐड करें, कोई बात नहीं है, जो भी उसके अंदर है जैसा भी है आप किसी भी नमकीन को उसके अंदर जो है ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब जाएगा इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा पानी। पानी जो डालें फिल्टर्ड वाटर डालें। तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जो है पानी के डाल रही हूँ और इसको अच्छे से बंद कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ब्लेंड हमने इसको कर दिया, बहुत बढ़िया सा कलर आया, लेकिन अभी ये बनकर रेडी नहीं हुई है। अभी मैंने पहले इसमें आधा कप सेव डाला था, आधा कप सेव इसमें मैं और ऐड कर दूंगी और इसको दोबारा से हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से रुक कर फिर दोबारा ऐसे हमने 2-3 बार ग्राइंड कर लेना। चटनी हमारी बन गई है, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी कितनी गाढ़ी बनी है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की जो चटनी होती है वो हमें सैंडविचेस के लिए चाहिए रहती है। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। टेक्सचर आप देखिए, चटनी का कलर देखिए, बहुत ही लाजवाब ये चटनी है। इससे आप सैंडविचेस में डालोगे तो सैंडविचेस का टेस्ट जो है 1000 गुना बढ़ जाएगा, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की। अगर हम इस कंसिस्टेंसी की नहीं बनाएंगे, इसको पत्ती कर देंगे, तो हमारी चटनी हमारा जो सैंडविच है वो सॉगी हो जाएगा और बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो सैंडविचेस के लिए इसी तरह की चटनी जो है हमें चाहिए रहती है। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारी चटनी। ये देखिए इस तरह से ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देख रहे हैं आप कितनी थिक है हमारी ये चटनी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी चटनी जो है बननी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। तो जब भी आप ये वाली चटनी बनाए बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें नमक जो है क्वांटिटी का अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि सेव में भी नमक रहता है। तो नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इस तरीके से आप जो है
बनाइए तो आपकी चटनी भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और एक बात, जब भी आप कोई भी चटनी बनाते हैं और आप सिर्फ धनिया के बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पुदीना डाल रहे हैं तो धनिया जितना डाल रहे हैं उससे आधा जो है पुदीना लीजिए, तभी फ्लेवर जो है आपका परफेक्ट आएगा। अब हमने फिर से धनिया ले लिया और धनिया को हमने अच्छे से धो लिया। फिर से जो हमने धनिया लिया इसकी डंठल हमने निकाल ली, वही रहने दिए, सिर्फ जड़ों जड़ जो है हमने निकाल लिए और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। धनिया को अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें काफी जो है मिट्टी रहती है, तो इस तरह से हमने जो है धनिया रहने देनी है, इसमें जो है बहुत स्वाद होता है। इसको हम इस तरह से धोकर जो हमने रेडी कर लिया और इसको इस तरह से मैं तीन भाग में कट कर लूँगी। इसको डालेंगे हम अपने मिक्सी के जार में, तो सारा धनिया हमने इस तरह से ऐड कर लेना है। आप एक पंच जो है धनिया ले सकते हो, मैंने एक कप के करीब जो है ये धनिया लेकर जो है रेडी कर दिया। ये जो आज हम चटनी बना रहे हैं ना, ये बहुत खास चटनी है। ये वो चटनी है जो कि रेस्टोरेंट से हम लेते हैं स्नैक्स के साथ, जो हम खाते हैं जो लाइट ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल वही वाली चटनी जो कि स्नैक्स के साथ खाई जाती है। इसे स्नैक्स के साथ भी आप खा सकते हो, खाने के साथ भी आप खा सकते हो, बेहद ये टेस्टी लगती है। तो इसके अंदर जाएगा एक, मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया प्याज, तो एक प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही जाएगा इसमें लहसुन, तो 8-10 के लिए हम इसमें लहसुन डाल देंगे। इसके साथ जाएगा इसमें 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा 5 हमने इसमें हरी मिर्च डाल दिए। और अब हम डालेंगे खटाई के लिए, हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, तो 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 स्पून हमने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया। अब जाएगा इसके अंदर नमक, नमक मैं इसमें 1 चम्मच डाल दूंगी। इसके साथ जाएगा इसके अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे काला नमक 1/3 स्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगी 1/3 स्पून के करीब हींग। अब जाएगा इसके अंदर पानी, 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी के डाल देंगे। पानी उतना डालिए जिसमें आसानी से जो है हमारी चटनी पिस जाए। लिड लगा देंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको बंद कर लेंगे और चेक कर लेते हैं, तो इसको खोलेंगे और चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई। ये देखिए देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में कांच की बोतल में भरकर आप रख सकते हो और लंबे समय तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अभी चटनी हमारी बनी नहीं है, मैंने आपको वो चटनी लाइट कलर वाली आपको जो बतानी है वो बताऊंगी। ये हमने बनाकर रख लेना है और इससे हम जो है काफी ज्यादा चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे दही, उसको अच्छे से बिस्कर की हेल्प से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से इसको हमें फेंट लेना है। अब हम क्या करेंगे कि ले लेंगे एक बोल और इसके अंदर डाल देंगे ये 1 चम्मच जो है हमने, जो 1 से 2 चम्मच हमने जो ये चटनी बनाई, और अब इसके अंदर जाएगा हमारा फिटा हुआ दही। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, है ना, बिल्कुल उसी तरह की चटनी जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो स्नैक्स के साथ या फिर खाने के साथ, बिल्कुल वही टेक्सचर है, वही कलर है, वही कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल परफेक्ट ये चटनी बनी। आपको इसमें कोई नमक, कोई मिर्ची, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये परफेक्ट टेस्ट है, परफेक्ट चटनी है। और ये आपने बना के रख लिया इसका चटनी, और जब भी आप चाहें तो उसमें से 1-2 चम्मच चटनी के निकाले, दही ऐड करें फिटा हुआ और इस तरह से ऐड कर दीजिए और मिनटों में आपकी चटनी जो है इस तरह से बिल्कुल मार्केट स्टाइल की बनकर रेस्टोरेंट स्टाइल की तैयार हो जाएगी। आपके घर में कोई गेस्ट आए बिल्कुल मिनटों में आप चटनी बनाकर तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे जरूर फॉलो कीजिए। और इस चटनी को आप बनाकर जो है इस तरह से इसके क्यूब में भी इसको आप जमा कर रख सकते हो, तब भी जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी चटनी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसको आप अगर फ्रीजर में जमा लें तो ये महीनों महीनों तक चटनी जो है बिल्कुल ठीक रहती है, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। इसको बनाकर आप रख सकते हो फ्रीजर में और जब आपको बनानी हो कुछ देर पहले निकाल लें और हल्का सा इसको माइक्रोवेव कर लें तो चटनी की कंसिस्टेंसी जो है इसी तरह की हो जाएगी। इसे 2 चम्मच डालिए, दही ऐड करिए और चटनी आपकी तैयार है, ना, बिल्कुल आसान तरीका। तो ये चटनी भी हमारी बनकर हो गई तैयार, और ये जो मैंने आपको सैंडविच की चटनी बनाई थी वो भी हमारी रेडी हो गई, हमने बना लिए। और ये दोनों चटनियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है, इसे आप जरूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।